झूमता जंगल, तमन्ना महल और अब फरिश्ताइस्तान, तुम यहां तक भी पहुंच गए? कैसे? और तुम सांस कैसे ले पा रहे हो? बुलबुल चाचा की दी हुई इजाज़त, हवा हवाई। ओ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। लौट जाओ अलादीन। अब्बू, मैं यहाँ तक खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आया, मुझे खंजर का तीसरा हिस्सा दे दीजिए अब्बू। तुम्हें तुम्हारी अम्मी की मोहब्बत यहाँ तक जरूर ले आई है अलादीन, लेकिन मेरा फर्ज मुझे तुम्हारी मदद करने की इजाजत नहीं देता। तुम सिर्फ अपनी अम्मी के बारे में सोच रहे हो और मैं पूरी कायनात के बारे में। एक बेटे के लिए उसकी माँ पूरी कायनात होती है। तुम अब भी नहीं समझ रहे हो अलादीन, शैतान का खंजर मुकम्मल होते ही शैतानी साया तुम्हें, तुम्हारी रूह, तुम्हारे दिल और दिमाग को कैद कर लेगा। अप्पू, आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है? बेटे को खंजर की ताकत का अंदाजा नहीं है। लौट जाओ अलादीन। अब्बू, अब्बू, अब्बू रुक जाइए, अब्बू, अब्बू, हार ना मानना मैंने अम्मी और अपने अब्बू से सीखा है, और मुझे उस सीख और आपकी परवरिश की कसम है कि मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। बुलबुल की इजाज़त ज्यादा देर तक तुम्हारे काम नहीं आएगी अलादीन, बस कुछ पल और तुम्हारी सांसें रुकने लगेंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता अब्बू। जैसा तुम सही समझो। अब्बू, अब्बू, अब्बू। आज समझ में आ गया अब्बू कि आपको अपने बेटे पर यकीन नहीं है। कितने वर्षों से अगर एक बेटा अपने अब्बू का यकीन नहीं जीत सका तो उसका जीना बेमानी है। अम्मी जान ठीक कहती हैं, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई के सामने उसे सर झुकाना ही पड़ता है। आतिशे आफताब इसी बात का सबूत है। यास्मीन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये तो हमारी हिम्मत और ताकत का छोटा सा नमूना है मलिका। तुम अभी से गुस्सा हो रही हो, थोड़ा गुस्सा बचा कर रखो, बाद में काम आएगा। आतिशे आफताब के आगे तुम्हारा काला जादू किसी काम का नहीं है मलिका। रुक जाओ यास्मीन, वरना धमकियों से डरते हैं गीदड़, टेरनी नहीं। बगदाद हमारा मुल्क है और यहाँ हमारी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता, शैतान भी नहीं। जान, लगता बला टल गई। देखना, मुझे पूरा यकीन है अब सब ठीक हो जाएगा।
शैतान तो पतली गली से निकल गया मलिका। मजा आया। सुल्ताना मोमबत्ती से उठता काला धुआं गायब हो गया। जो भी नया खतरा आने वाला था टल गया। एक खतरा टला है। जंग तो अभी शुरू हुई है। इनकी खुशियों पर लगा दे मलिका के कहर का ताला, बर्बाद हो जाए शैतान को रोकने वाला। आतिश आफ्ताब की ताकत कुछ ही लम्हों तक रहती है। इसकी ताकत आने में कुछ वक्त लगेगा, पर यह बात हम मलिका को नहीं पता लगने दे सकते। अच्छाई की ताकत का अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है मलिका। भलाई इसी में है कि इसके आगे अपना सिर झुका लो और हार मान लो। ताकत के मामलों में हम तुम सबसे बड़े हैं, और अच्छे बच्चे बड़ों से इज्जत से पेश आते हैं। तुम्हारे अब्बू ने सिखाया नहीं तुम्हें? अंगूठी चा, अंगूठी चा। अलादीन, ये तुमने क्या किया? जो सही समझा। मैंने अपनी अम्मी से वादा किया है कि मैं खंजर का तीसरा हिस्सा लेके लौटूंगा और अम्मी को मलिका की गुलामी और पल पल की जिल्लत की जिंदगी से आजाद करूंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता, तुम तोड़ सकते हो। अलादीन, तुम्हें जानता हूं, और सेना एक नेक दिल औरत की जिंदगी बर्बाद हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बीवी मौत से बदतर जिंदगी जी, आपके फर्ज को ये मंजूर है। ये फर्ज ने गुना सारे भरोसे की जरूरत नहीं। नहीं नहीं अलादीन,
या अल्लाह, मैंने अपनी रुखसार से वादा किया था कि मैं अपने होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और तुम मेरी आंखों के सामने अलादीन, आप गई खून और अपने खून पर यकीन की, अम्मी को बचा लूंगा, मम्मी को जाएगा। नहीं बचा पाओगे बेटा, अब मम्मी को बचता हूं। अलादीन, अलादीन, रुखसार, शायद तुम भूल रही हो कि तुम हमारे गुलाम हो। हमारा हुक्म है तुम जहां हो वहीं खड़ी रहो। मलिका बंद करो ये सब। सोने की अशर्फियों की, दो पल को यहाँ से वहां क्या हो जाओ, यहाँ तो कोई नया ही तमाशा शुरू हो जाता है। अब चुपचाप खड़े रहे। गुल्लो, तेरी चांद की बर्फी, तुझे चोट लग गई। तेरी बेगम बेगम कहाँ जा रही हो? भाग।
तुम्हारे जैसे बुजदिल पीछे से ही वार करते हैं। हमारे अब्बू ने हमें सिखाया था और उनकी सिखाई एक एक बात हमें आज तक याद है। अपने अब्बू की याद आ रही है? कोई बात नहीं, हम अभी तुम्हें उन्हीं के पास पहुंचा देते हैं। बेगम, सुल्ताना तो मल्लिका को बराबर की टक्कर दे रही है। हाँ मिया, कहीं ऐसा ना हो कि मल्लिका का साथ देके हमसे मजीद गलती हो गई। गुस्सा कब आता है और जब आता है तो बुराई और उसकी ताकत उस पे झुलस जाती है। अभी भी वक्त है, संभल जा। मेरी गुलाम और मुझी से बड़ी बड़ी बातें। हमें अच्छाई की ताकत का अंदाजा नहीं है, ये सुन सुन कर हम उब गए हैं। चलो आज अंदाजा लगा ही लेते हैं अच्छाई की तरफ। हो तुम रुखसार और तुम्हारी जख्मी साथी। हम जख्मी जरूर हैं पर तेरे लिए काफी है। नहीं हो, शैतान को रोककर तुमने हमारा रास्ता काटा है और उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी अपनी जान देकर। सोचो तुम्हारे मरने के बाद अलादीन का क्या होगा, वो तो बेचारा जीते जी मर जाएगा। और तुम्हारे आवाम का क्या होगा, ये सारी बातें तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। खैर अब तुम्हारे बगदाद पर हम हुकूमत करेंगे। जो बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा। उफ,
बड़ा मजा आएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.